नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप मुझे देख रहे हैं सिल्क टीवी पर। चुनावी माहौल दिखाने और जनता की हर एक समस्या, गांव में हो रहे विकास कार्य की हकीकत आप तक पहुंचाने के लिए हम ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और यहां पर होने वाले मुखिया चुनाव, जिला परिषद सदस्य पद के लिए चुनाव, पंच पद के लिए चुनाव, इन सभी चुनावों की सरगर्मी भी आप तक पहुँचा रहे हैं। अभी हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं गोराडी पूर्वी क्षेत्र संख्या 21 के जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, समाज सेवी होने के अलावे ये और क्या क्या करना चाहते हैं अपने समाज के लिए। इनसे हम ये भी जानेंगे कि इनके कौन कौन सा मुद्दा, कौन कौन सा विकास कार्य अपने क्षेत्र में चाहिए और इनको अपने जनता पर कितना भरोसा है। सबसे पहले तो देवेंद्र भारती जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल सिल्क टीवी पर। जी नमस्कार सर। जानना चाहेंगे, चूँकि आप लगातार समाज सेवा में जुड़े रहे, समाज सेवा में एक्टिव रहे, राजनीति में आपकी दिलचस्पी शुरू से ही होगी, हम जानना चाहते हैं कि आखिर आपको आपके समाज में ऐसी क्या कमी दिखी जो पुराने जनप्रतिनिधियों द्वारा पूरी नहीं की जा रही थी, जिसे पूरा करने का बेड़ा आपने उठाया और आपने चुनावी मैदान में अपना पाँव रखा और अब आप लड़ रहे हैं। ऐसी कुछ कमी, ऐसा कुछ विकास कार्य जो आपने अपने क्षेत्र में नहीं देखा हो और उसके होने की उम्मीद रखते हैं आप, ये हमारी जनता को बताएं। तो गोराडी पश्चिमी से हूँ, मेरा नाम देवेंद्र कुमार भारती उर्फ डब्ल्यू सिंह। गोराडी प्रखंड क्रम संख्या 21 से जनता ने मुझे बुलाया कि आइए इस गोराडी पूर्वी का सेवा कीजिए, आप सेवक बनिए, और मैं जनता के अनुरोध पे, जनता के आग्रह पे मैं गोराडी पूर्वी गया और 2020 दिसंबर से मैं कदम रखा सेवा में और मैं जनता का दिल जीत लिया अपने कर्मों से, अपने काम से, और जनप्रतिनिधि का जो होना चाहिए, जो सेवक बनना चाहिए, उनको विश्वास जीत लिया। हम जानना चाहते हैं, आपने लगातार समाज सेवा किया, कोरोना काल का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, क्योंकि आप एक समाज सेवक होने के नाते समाज में समाज सेवा किए जा रहे थे, जबकि आपके समाज में जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, जिला परिषद हैं, वार्ड हैं और भी अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उनके होते हुए आपको क्या जरूरत पड़ी इस मैदान में उतरने की, समाज सेवा करने की, आखिर क्या कैसा रहा कोरोना काल? जब देवेंद्र भारती का नाम समाज सेवी में जब आया तो बिल्कुल सा जाहिर है कि मुझे समाज के काम में, समाज के दुखों में, समाज के हितों में हमको करना होगा, काम करना होगा और मैं वो कर दिखाया। कोरोना काल में भी मैं अपने से ड्राइव करके बहुतों को, अपने क्षेत्रवासियों को मैं लेके बहुत सारा हॉस्पिटल गया, आईसीयू में जाके मैं मिलता था। मुझे लगता था कि नहीं, मैं समाज सेवी के लिए आया हूँ, समाज के हित में काम करूँगा, जब तक भगवान मुझे लाया है समाज सेवा के लिए मैं सेवा करता हूँ। तो लगातार आप कोरोना काल में भी एक्टिव रहे और यही कारण है कि अब चुनाव के वक्त आपको जनता चाह रही है, आपको अपना वोट देना चाह रही है। एक और अहम सवाल जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको, आपके जनता पर कितना भरोसा है? क्या आपके क्षेत्र में जात, मत, मजहब ये सब देख के वोटों का बंटवारा होगा या फिर अच्छे कैंडिडेट को देखकर, विकासशील कैंडिडेट को देखकर वोट दिया जाएगा? नहीं, इस बार जाति का समीकरण समाप्त हो गया। इस बार जनता एक इंसान को, अच्छे कैंडिडेट को, अच्छे विचारधारा को देख रहे हैं कि कौन आएंगे क्षेत्र में, कौन विकास पुरुष बनेगा, कौन विकास कर सकता है, इनमें इतना टैलेंट को विकास करेगा, दूसरे के लिए मर मिटेंगे, दूसरे के दुख दर्द में हिस्सा बनेंगे, मैं उसके लिए आया हूँ और जनता उनको पसंद कर रहे हैं। एक अहम सवाल और, आप किन मुद्दों को लेकर अपने जनता के पास जा रहे हैं चुनाव में वोट मांगने के लिए, क्या वादे रहेंगे आपके, क्या मैनिफेस्टो है आपका, मतलब आप कौन कौन से विकास कार्य जब आपको पद मिलेगा, जब आप कुर्सी पर बैठेंगे तो करेंगे, इन सभी मुद्दों पर भी एक बार आप ध्यान दें ताकि मैं हमारे दर्शकों को, आपके वोटरों को पता चले कि आखिर आपकी मंशा क्या है, चुनाव जीतने के बाद आप क्या क्या विकास कार्य करने वाले हैं? सच में मैं सोचा नहीं था, लेकिन आज आपके चैनल के द्वारा मैं एक बोल देना चाहता हूँ। आज मैं जिला परिषद के जो 2017 को जो मेरा जो विजय जुलूस होगा उनके बाद मैं एक जनता को एक एम्बुलेंस का सौगात दूंगा, फर्स्ट मेरा प्राथमिकता है। दूसरा मेरा है कि मैं एक अनाथ आश्रम गरीब बच्चे का स्कूल खोलूंगा जिससे शिक्षा में विकास हो और उनको मैं मुफ्त शिक्षा दिलाऊंगा अपने क्षेत्र के लिए, अपने विकास के लिए। दूसरी सवाल उठता है, मैं गरीबों का एक आंसू पोछने का मैं बिगड़ा उठाया हूँ, मैं हर गरीब तक के छोटे वर्गों का मैं आंसू पोछूंगा, चाहे वो किसी भी समस्या से हो, चाहे वो परेशानी से, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे वो मायागंज की समस्या हो या मुस्लिम समस्या हो या ब्लॉक की समस्या हो, मैं उनके लिए सदा मैं अपने से 24 घंटा में तत्पर। चलिए, एक समाज सेवी होने के साथ साथ आप एक जनप्रतिनिधि भी होंगे और इसको लेकर आपका दायित्व बनता है कि आप अपने जनता के साथ रहें, गरीबों का साथ दें, जरूरतमंदों की मदद करें।
क्या लगता है आपको पुराने दौर में पिछले कार्यकाल की यदि बात करें तो आपकी जनप्रतिनिधियों द्वारा जो आपके जिला परिषद सदस्य थे जो मुखिया थे उनके द्वारा किया गया कार्य को आप कितना अंक देना चाहेंगे 10 में? मैं तो क्या जनता उनको 0 दे चुका है, मेरा क्या औकात है मैं क्या दूँ, जनता 0 अंक दे चुका है और इस बार पूर्ण बहुमत से दिव्या सिंह विजयी हो रही है और मेरे कंधे पर जनता जो जिम्मेदारी दे रहे हैं मैं उसे पूर्ण कर रहा हूँ। अपने दर्शकों को मैं एक बात फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि श्रीमती दिव्या सिंह ही प्रत्याशी हैं और वो इनकी धर्मपत्नी हैं, ये प्रतिनिधि हैं उनके और पूरे चुनाव प्रचार जनसंपर्क अभियान ये अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं, यही संभाल रहे हैं। एक 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 बहुत ही अहम सवाल, क्या लगता है आपको जनता आपको क्यों वोट देगी, आप पिछले कैंडिडेट से क्यों बेहतर, इन बातों पर भी आप एक बार प्रकाश डालें। एक साल में अपना जनता के बीच में जाके मैं अपना परिचय दे चुका हूँ कि आपका सुख दुख हर किसी में मैं खड़ा हूँ, वो मेरे साथ मायागंज में मैं 10 प्रॉब्लम को हल किया हूँ, जहाँ जहाँ मुझे जनता ने आवाज़ दिया है मैं उसके लिए जाके खड़ा हुआ हूँ। इसलिए एक साल में मैं जितना कार्य किया हूँ जनता के बीच में उसके जनता विश्वास कर रहे कि आज डब्ल्यू सिंह ये एक विकल्प है हम लोग के लिए जो कि हमारे आंसू को हमारे जरूरतमंदों को हमारे काम को देख सकते हैं। जनता पर आपको भरोसा है, आपको यह भी भरोसा है कि जनता विकासशील कैंडिडेट को देखकर ही चुनाव में वोटिंग करेगी। ये थे हमारे साथ डब्लू सिंह, ये समाज सेवक हैं, साथ साथ ये इस बार जिला परिषद सदस्य के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब देखना ये होगा कि जनता का मिजाज क्या है, ये वोटिंग और रिजल्ट आने वाले दिन ही पता चलेगा। खैर, इनका कहना यह है कि जनता अब ऐसे कैंडिडेट को चुनेगी, ऐसे लोगों को मौका देगी जो अपने क्षेत्र में विकास कर सकें। लगातार चुनाव की सारी अपडेट के लिए आप बने रहिए सिल टीवी पर, देखते रहिए हमें। जय हिंद।